आईएसएस तलबा मोहम्मद हाजी साहब सिद्दीक इस सबक का तीसरा और आखिरी हिस्सा समझते हैं। मोहम्मद हाजी के वालिद साहब सिद्दीक बड़े नेक, जरूरतमंदों की मदद करने वाले और हमदर्द दिल के मालिक थे। यूं तो उन्होंने अवाम की भलाई के लिए, अवाम की फलाह के बहुत से काम किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा साहब सिद्दीक मुसाफिर खाना है, जो उन्होंने हज के लिए जाने वाले मुसाफिरों के लिए बनवाया था। एक और बात आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 35-40 साल पहले तक भी लोग पानी के जहाज से हज के लिए जाया करते थे। ये और बात है कि आज लोग मुल्क के अलग अलग हिस्सों से हवाई जहाज के जरिए हज के लिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त में जब हवाई जहाज का इंतजाम नहीं था तो लोग पानी के जहाज से मुंबई की बंदरगाह से हज के लिए जाया करते थे। इसके लिए महीना डेढ़ महीना पहले वो मुंबई पहुंच जाया करते थे। अब ऐसे हालात में इतने बड़े शहर में इतने लोग रुके तो कहां रुके, ठहरे तो कहां ठहरे। तो ऐसे लोगों के लिए साहब सिद्दीक ने मुंबई के इलाके में एक मुसाफिर खाना तामीर करवाया, जहां हज को जाने वाले लोग आराम से ठहर सके। यहां आज भी हज के लिए जाने वाले मुसाफिरों के ठहरने का बेहतरीन इंतजाम है। साहब सिद्दीक ने आम लोगों की भलाई के और भी बहुत से काम किए, जैसे उन्होंने अस्पताल बनवाए जहां पैदा होने वाले बच्चों का और उनकी माओ का इलाज भी किया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई में एक सेनेटेरियम, जहां बूढ़े लोगों का इलाज और बूढ़े लोगों की देखभाल की जाती है, वो भी बनवाया। साहब सिद्दीक के भाई आदम साहब ने मुंबई के मदनपुरा के इलाके में एक आलीशान मस्जिद बनवाई। उन्हीं के खानदान की एक खातून ने भी एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई। हाजी साहब सिद्दीक और उनके खानदान के लोगों ने अवाम की भलाई के वो काम किए हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे, और मुल्क के लोग उनके एहसानों को हमेशा याद रखेंगे और उनके हक में हमेशा खैर की दुआएं करेंगे। अजीज तलबा, ये था हमारा सबक हाजी साहब सिद्दीक, जो यहाँ खत्म होता है।